नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि गणेश जी ने कहा था कि माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। तो धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं कि वे सत्य हैं अथवा असत्य, ये वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ प्राप्त हो जाता है, और जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाला पाप का भागी होता है। कल तक यहाँ तक था। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण करवा दें आप लोग। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और पाठ में कितना आनंद आता है। और शिव जय शिव शक्ति लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट में जय शिव शक्ति लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपको पाठ अच्छा लगता है मुझे वो भी बताएं, और आपको कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमियों को मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह, और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटना और शुभ धोकर क्रौंच पर्वत पर चले जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। कल जहाँ तक थे हम, उसके बाद में गणेश जी कह रहे थे कि जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है। तो फिर इसके आगे है कि क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है, अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए। निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अथवा यों कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, तब तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी हैं वे पार्वती नंदन गणेश। इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले कि शिव शिवा ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर दी।
तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी बात में मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद क्यों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को शांत करना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। यहाँ पे भी एक छवि दी हुई है जो मैं डाल सकती थी पर हर एक में नहीं डाल रही हूँ। अगर हर एक वीडियो में डालनी है तो आप मुझे बताएं। इसी समय उस जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता लगा तो उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थीं जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से शेम और शेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा शोभ हुआ और वे माता पिता शिव शिवा के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुककर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देवऋषि उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व कुमारपन प्रसिद्ध। कुमारपन प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक सर्व पापहारी पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह होने पर उमा को महान दुख प्राप्त हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव से कहा कि प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद वे दोनों शिव शिवा भी पुत्र स्नेह से विभल होकर अब प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती भी जाती हैं। मुनीश्वर तुमने स्वामी कार्तिकेय और गणेश का जो वृतांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उनकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है अथवा किसी का सुनता है और उसको सुनाता है
निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कृतिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिवजी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिवजी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिव में है, अतः मोक्ष कामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता की। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अवश्य अच्छा लगता होगा।